मिस्टर अशोक पांडे, मीडिया ने आपसे कई बार सवाल किए, मैं एक बार आपसे फिर सवाल करना चाहता हूँ, आपका नाम क्यों बार बार आता है उन चंद बिल्डरों के साथ जो अपने फायदे के लिए पैसों के दम पर लोगों की प्रॉपर्टी हथिया लेते हैं? तो आपने एक बार फिर से देखा, मिस्टर अशोक पांडे बिना सवाल का जवाब दिए चले गए, तो ऐसे बिल्डरों के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लेता? ये एक बड़ा सवाल है। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट मिस्टर महेश प्रजापति का पिछले 30 साल से इसी बिल्डिंग में ऑफिस है और अब वो लीगली इस बिल्डिंग में एक हिस्सेदार है। तो अगर अब मिस्टर अशोक पांडे इस बिल्डिंग को डिमोलिश करके एक नई बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तो हमारी कोर्ट से अपील है कि हमें भी उस बिल्डिंग में एक हिस्सा मिलना चाहिए। आपकी दलील क्या है? योर ऑनर, ये बात अभी तक साबित नहीं हुई है कि इस प्रॉपर्टी में ये हिस्सेदार है। ये एग्रीमेंट था। ये मेरे क्लाइंट मिस्टर अशोक पांडे के मृतक पिताजी ने मिस्टर महेश के पिताजी, जिनका 2 साल पहले देहांत हो गया था, उनसे किया था। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि वो जब चाहें वो प्रॉपर्टी खाली करा सकते हैं। लेकिन योर ऑनर, इस अग्रीमेंट के बाद में इन दोनों के बीच में एक और अग्रीमेंट हुआ था जिसमें प्रॉपर्टी की हिस्सेदारी की बात साफ साफ लिखी है, आप देख सकते हैं। वो कागजात झूठे हैं, नकली पेपर बनवाकर धोखा दे रहा है ये। फ्रॉड है, फ्रॉड। फ्रॉड मैं नहीं, तू है, समझा? और सब जानते हैं यहाँ पे कि तू कैसे लोगों की जमीनें हड़पता है। ऑर्डर, आप लोग कोर्ट में ऑर्डर बनाए रखिए। मेरे बाप ने तेरे बाप पे एहसान किया था वो जगह किराए पे देकर, और तू एहसान मानने के बजाय धोखा दे रहा है। चोर है तू, चोर। और तू क्या है, हा? जमीन हड़पने वाला डाकू। क्या बोला बे? यही ठोक देंगे। क्या बे? चार देंगे यही। अरे अच्छे से जानता हूँ तुमको कुछ नहीं कर पाओगे, समझे? बाहर निकल बताता हूँ। देखता हूँ, देखता हूँ। सर, ये अदालत है, यहाँ सोच समझ के बोलना चाहिए। वकील साहब, आप अपने दोनों क्लाइंट्स को समझाइए कोर्ट की रिस्पेक्ट कैसे की जाती है, अंडरस्टैंड? और फिर इस मैटर में बहस करने के लिए आइएगा। मैटर इज एडजॉइंड और अगली डेट अगले महीने की 7 तारीख। नकवी साहब। जनाब। जेब में वॉलेट था, गले में सोने की चेन और हाथ में घड़ी। इस मर्डर के पीछे कोई लूटपाट का मामला तो नहीं हो सकता? हमें तो ये आपसी रंजिश का मामला लग रहा है। सही कह रहे हैं जनाब। गाड़ी के अंदर की बाहर की सारी तस्वीरें चाहिए हमें। जी। ठोक देंगे। चाबे। चार देंगे यही। नकवी साहब। जी जनाब। इधर आइए। महेश प्रजापति नाम है इसका, एड्रेस भी लिखा हुआ है। इनकी फैमिली को जाके इन्फॉर्म कीजिए। जी जनाब। प्रॉपर्टी छोड़ दो, ये कोर्ट कचहरी का चक्कर, पर तुमसे मेरी बात नहीं मानी, मार दिया इन्हें। महेश। योर ऑनर,
मिस्टर महेश ये प्रॉपर्टी खाली करने के लिए तैयार हो गए हैं। पुरानी बिल्डिंग तोड़ करके वहां पे नई बिल्डिंग बना ली जाएगी। मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि म्यूचुअल सेटलमेंट को मंजूरी दी जाए। आपका क्या कहना है एडवोकेट अमर? योर ऑनर, मुझे इस अग्रीमेंट के बारे में कुछ नहीं पता है। मुझे थोड़ा समय दीजिए, मेरे क्लाइंट आते होंगे तब मैं कुछ कमेंट कर सकता हूँ। आप अपने क्लाइंट को फोन करके भी तो इस बारे में पूछ सकते हैं। योर ऑनर, सुबह से फोन ट्राई कर रहा हूँ, लग नहीं रहा है, थोड़ा समय दे दीजिए प्लीज। महेश प्रजापति मर्डर हो चुका। क्या सर? हम ऐसे जो क्रांति मिश्रा आपको सूचित करने आए हैं कि महेश प्रजापति का मर्डर हो चुका। कल रात को उनकी गाड़ी में उनकी लाश हमें बरामद हुई। योर ऑनर, मिस्टर अशोक की गिरफ्तारी का वारंट है हमारे पास। हमें कुछ ऐसे सबूत मिले जिसकी वजह से उन्हें शक के बिना पर गिरफ्तार किया जा सकता है। योर ऑनर, पुलिस ने इस केस में प्रोसिक्यूशन का लॉयर मुझे नियुक्त किया है। इसी कोर्ट में मुलजिम अशोक पांडे और मृतक महेश प्रजापति के बीच में एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट केस भी चल रहा है और इत्तेफाक से उसके जज भी आप ही हैं। आपको याद होगा कि उस केस की एक सुनवाई में अशोक जी ने आपके सामने और हम सबके सामने महेश जी को धमकी दी थी। नहीं ठोक देंगे, गाड़ देंगे यहीं। उनको समझ में आ गया था कि वो ये केस लगभग हार चुके हैं और इसीलिए उन्होंने महेश को अपने ऑफिस में सेटलमेंट के झांसे में बुलाया और उसी रात उसका खून कर दिया। योर ऑनर, पुलिस के पास मिस्टर अशोक पांडे के खिलाफ पुख्ता सबूत है, इसीलिए मैं कोर्ट से दरख्वास्त करूंगा कि हमें अशोक जी की 15 दिन की पुलिस रिमांड दी जाए ताकि पुलिस इस केस की तह तक पहुंच सके। अब मैं SHO क्रांति मिश्रा को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। योर ऑनर, जिस कार में हमें बॉडी मिली है उसमें मिस्टर अशोक के फिंगरप्रिंट्स मौजूद हैं। हमने रिपोर्ट सबमिट कर दी। योर ऑनर, केवल फिंगरप्रिंट्स के आधार पर यह कैसे साबित किया जा सकता है कि मर्डर मेरे क्लाइंट मिस्टर अशोक ने किया है? सर, इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि इन्हें बेल ग्रांट की जाए। माय लॉर्ड, अभी तक हमने ये कहा नहीं है कि मिस्टर अशोक मुजरिम है। हमें सिर्फ उन पर शक है और शक के बिना पे हम उनसे पूछताछ करना चाहते हैं, इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। 15 दिन की रिमांड चाहिए हमें इनके लिए ताकि सबूतों के साथ छेड़छाड़ ना हो सके। नो, अशोक पांडे की 15 दिन की पुलिस कस्टडी नहीं दी जा सकती है, ओनली 7 डेज। 7 दिन की पुलिस कस्टडी और 7 दिन में ही इंक्वायरी करके चार्जशीट दाखिल करिए। सर, ये सारे स्टाफ में से कोई भी अशोक पांडे के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है। इनकी बातों से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये लोग डरते हैं उससे। कुछ दबंग टाइप का आदमी लग रहा है सर। वो कौन है नफी साहब? वो मनोज नाम है जनाब, ये अशोक पांडे का पर्सनल असिस्टेंट। अभी सिर्फ यही बचता है स्टेटमेंट लेना बाकी है। कहाँ से हो मनोज? बिहार से सर। बिहार? वाह, हमारी साली भैया गई है वहीं पे। पड़ोस में तो है बेगूसराय। यहाँ कब से हो? इस कंपनी में 2 साल से हैं। तुम कहाँ थे? हम सब मार्केट गए हुए थे। हम तुमसे उस रात के बारे में पूछ रहे हैं जिस रात महेश तुम्हारे साहब अशोक से मिलने आया था। घबरा क्यों रहे हो भाई? बोली जी, उस दिन यही थे हम। सारा स्टाफ जा चुका था, एक टेंडर का काम था जो अगले दिन सबमिट करना था हमें। तभी अचानक अशोक साहब का फोन आया और उन्होंने हमसे कहा, तो मैं काम करूँ, तुम घर चले जाओ, मुझे थोड़ा काम है, मैं बाद में आऊँगा। बिना कुछ पूछे सामान सबमिट कर जाने लगे। हम ऑफिस से निकल ही रहे थे कि तभी महेश साहब हमें ऑफिस में आते दिखाई दिए। उसके बाद हम पार्किंग में अपनी बाइक लेने चले गए। वहाँ पर हमने देखा अशोक साहब की गाड़ी पंचर है। मैंने साहब को फ़ोन करके पूछा, सर आपकी गाड़ी का टायर पंचर है, आप कहें तो बनवा दूँ? ठीक है, तुम चले जाओ, मैं गाड़ी ठीक करवा लूँ। जी सर।
उसके बाद में वहाँ से चला गया था साहब। चलिए जी, मतलब आप जा सकते हैं। जी सर। नकवी साहब, पार्किंग। ये गाड़ी पंचर हुई नहीं है नकवी साहब, बल्कि की गई है। कितने साल से काम कर रहे हैं आप? 5 साल हो गए साहब। तुम्हारा नाम क्या? बलदेव सिंह फोगाट। हरियाणा से हो? हैं? बलदेव सिंह फोगाट। ये क्रांति सर को क्या हो गया? ये तो उसे डांटने के बजाय पुचकार रहे हैं। इससे क्या वो सच बता देगा? अरे कमाल करते हो कविता जी, जहाँ जुगाड़ लगे वहाँ जुगाड़, जहाँ सुताई की जरूरत पड़े वहाँ सुताई, और जहाँ प्यार से काम हो जाए वहाँ प्यार। यही तो स्टाइल है हमारे क्रांति सर का। देख भाई, डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं? जैसा बोला है वैसी अदालत में जाके बोलना है तेने, समझ रहे है ना? चल चल। देखा? हाँ साहब, मैं उस रात ड्यूटी पर ही था। वैसे तो अशोक साहब कभी कभी ही रात में ऑफिस में रहते हैं, मगर उस रात लेट तक थे, करीब 9:30 बजे तक। हाँ बोलो। सर जी, कोई महेश जी आपसे मिलने आए हैं। हाँ ठीक है, भेज दो उनको अंदर। और उसके कुछ घंटे बाद ही अशोक साहब उस गाड़ी में बैठकर कहीं चले गए जिसे मैंने देखा था। योर ऑनर, अब मैं SHO क्रांति मिश्रा को फिटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। बताइए। योर ऑनर, मिस्टर अशोक के फोन रिकॉर्ड से हमें पता चला कि इन्होंने महेश प्रजापति को उसी दिन फोन किया था जिस दिन मर्डर हुआ था। हेलो, मिल सकते हो आज? कुछ बात करनी है प्रॉपर्टी के बारे में। क्या बात करनी है? फोन पे बताओ। मिलकर ही हो सकती है ये बात। मेरे ऑफिस आ जाओ, केस यहीं सेटल कर लेते। महेश प्रजापति को इन्होंने ऑफिस में एक मीटिंग के लिए बुलाया था, और इन्होंने मीटिंग का वही समय चुना जिस समय इनके ऑफिस स्टाफ की छुट्टी हो जाया करती है। ऑफिस स्टाफ की छुट्टी के बाद ये सीधा पार्किंग एरिया में गए, वहां पे इन्होंने अपनी गाड़ी को ही अपने हाथों से पंचर किया। फिर ये वापस ऑफिस आए, अपने असिस्टेंट मनोज को इन्होंने छुट्टी दी। मनोज घर जाने को ही था कि पार्किंग एरिया में उसकी नजर अपने मालिक की गाड़ी पर पड़ी, यानी कि मिस्टर अशोक। मिस्टर अशोक को उन्होंने फोन किया, इन्फॉर्म किया, लेकिन उन्होंने उसकी बात को नजरअंदाज किया। शायद ये उनके प्लान का ही हिस्सा। महेश प्रजापति और मिस्टर अशोक की मीटिंग या बातचीत करीबन 1 घंटा ऑफिस में चली, ताकि वो एक मीटिंग साबित हो। मीटिंग खत्म होने के बाद मिस्टर अशोक ने पंचर हुई गाड़ी का बहाना बनाया, महेश प्रजापति से लिफ्ट मांगी, और मौका पाते ही उसका मर्डर कर दिया। मर्डर करने के बाद किसी ऐसी जगह की ये तलाश करते रहे जहां पे लाश और गाड़ी को छोड़ा जा सके। फिर अचानक इनकी नजर पुलिस नाकाबंदी पर पड़ी। वे घबरा गए और डर के मारे लाश और गाड़ी को वहीं छोड़कर भाग गए। इन्होंने टैक्सी की सीधा अपने घर जाने के लिए। योर ऑनर, अब मैं डॉक्टर ज्वाला अग्रवाल, जो इस केस की पोस्टमार्टम एक्सपर्ट हैं, उन्हें क्वेश्चनिंग के लिए विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। आइए। ज्वाला जी, आपने इस केस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा है कि महेश के हाथों पर और उनकी बॉडी पर मल्टीपल इंजरीज थी, उसके बारे में कोर्ट को बताइए। जी, और उसके बाद उसकी हाथापाई हुई, और इसी हाथापाई में उसे मल्टीपल इंजरीज हुए। योर ऑनर, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं डॉक्टर साहिबा से कुछ सवाल कर सकता हूँ। इजाजत है। हाँ तो मैडम, आपके मुताबिक महेश का कत्ल किसी धारदार चीज से हुआ था, और आपने बताया मारने वाले से उसकी हाथापाई भी हुई थी, राइट? बिल्कुल। तो क्या ये सब चलती गाड़ी में संभव है क्या? नो, चलती गाड़ी में उसका मर्डर नहीं हुआ। महेश गाड़ी के बाहर ही रहा होगा जब उस पर अटैक हुआ। एग्जैक्टली, मर्डर गाड़ी के अंदर नहीं, गाड़ी के बाहर हुआ था, सड़क पर हुआ था। और उंगलियों के निशान से ये साबित नहीं होता कि मर्डर हमारे वकील ने किया है। अगर कत्ल किया था तो भी सड़क पे कोई देखने वाला क्यों नहीं था, कोई गवाह क्यों नहीं थे? ये साहब, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हुआ ये था कि मेरे क्लाइंट गाड़ी पे गए जरूर थे,
लेकिन बीच में उतर गए थे। लेकिन उस गाड़ी के अंदर दूसरा शख्स बैठा हुआ था जिसने बहसला फुसला करके महेश की गाड़ी सुनसान जगह पे ले गया और महेश को बीच में उतरने के लिए मजबूर कर दिया। महेश जैसे ही उतरा उसके ऊपर वार कर दिया। पुलिस के पास ना तो कोई सबूत है ना कोई गवाह है। हमारे मौकिल के ऊपर लगाए गए इल्जाम साबित नहीं कर पा रहे हैं वो। योर ऑनर, इसीलिए हम मिस्टर अशोक की पुलिस रिमांड 10 दिन और एक्सटेंड करने की अपील कर रहे हैं ताकि पुलिस को सबूत और गवाह मिल सके। अरे किस लिए सर, इतने दिन में पुलिस कुछ नहीं कर पाई, अब किस बात का समय, क्यों समय? माय लॉर्ड, हमारे पास कोई चश्मदीद गवाह तो नहीं है, लेकिन हाँ एक सबूत जरूर है जिसने हमारे शक को और गहरा कर दिया है कि मिस्टर अशोक ही असली कातिल हैं। ये चाकू वो नहीं है जिससे मर्डर हुआ था, हाँ लेकिन उसके जैसा ही है, और ये हमें मिला मिस्टर अशोक के ऑफिस में तलाशी के दौरान। ये डिजाइनर चाकू का सर एक सेट, जिसमें से एक चाकू गायब है और एक चाकू हमारे हाथ। खोया चाकू का अभी भी तलाश जारी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ये चाकू मर्डर वेपन जैसा ही है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं डॉक्टर ज्वाला को ये चाकू दिखाना चाहूँ। बिल्कुल वैसा है अलग। Yes, थोड़ा डिफरेंस तो है लेकिन ये है बिल्कुल मर्डर वेपन जैसा। Your Honor, अब ये बात भी लगभग तय है कि ये चाकू मिस्टर अशोक का ही है। हमें बस वो दूसरा चाकू ढूंढना है जो हमें मिली जाएगा, और ये बात तय हो जाएगी कि मिस्टर अशोक ने ही पूरी प्लानिंग के साथ बड़ी बेरहमी से मिस्टर महेश को मार डाला, और वो भी छोटी सी जमीन के लिए। Your Honor, ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। झूठ है ये सब। मेरे पापा ने नहीं मारा है किसी को। मैं जानती हूँ किसने मारा है। आपको जो कुछ भी कहना है आप विटनेस बॉक्स में आकर कहिए। मैं उस रात घर पर थी। मुझे पता चल चुका था कि पापा ने महेश को अपने ऑफिस बुलाया है। वो प्रॉपर्टी का केस पापा कई सालों से लड़ रहे थे और मैं चाहती थी कि वो ये केस जीत जाए। लेकिन जब मुझे पता चला कि हार कर अब वो इस सेटलमेंट की सोच रहे हैं तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं जाकर उन्हें इस सेटलमेंट के लिए रोकना चाहती थी, लेकिन जब मैं ऑफिस पहुंची पापा महेश के साथ ऑफिस से निकल रहे थे। मैंने उनका पीछा किया और पापा एक सुनसान जगह पे उस गाड़ी से उतर गए। जब वो गाड़ी से उतरे मार डाला महेश को। किसने किसने महेश को मार डाला? मैंने मार डाला महेश को। मैंने महेश की कार एक सुनसान जगह रुकवाई मदद मांगने के लिए। जब वो गाड़ी से निकला मैंने मार डाला और उसके बाद उसकी डेड बॉडी को डिक्की में रखा और गाड़ी को चेकनाका पर छोड़ दिया। तुम जो कुछ भी कह रही हो अपने पूरे होशो हवास और बगैर किसी दबाव के कह रही हो। जी, वो चाकू मेरे घर पर है जिससे मैंने महेश को मार डाला। इंस्पेक्टर साहब, इस कन्फेशन के बेसिस पर आप इन्हें अरेस्ट कीजिए और आगे की जांच इसी कन्फेशन को बेसिस बनाकर कीजिए, और इसी के साथ अशोक को जमानत पर रिहा किया जाता है। मैंने वो चाकू इस गमले के नीचे छुपाया था। ये वाला? एविडेंस फॉरेंसिक डिपार्टमेंट भेजिए जनाब। इतनी सी बात पे उसने मर्डर कर दिया। क्या हो? क्या हो? एक बार भी नहीं सोचा कि उसके फादर का क्या होगा। इस उम्र की जनरेशन से ना डर ही लगता है। इतनी ज्यादा ओवर एम्बिशियस फ्रस्ट्रेटेड और गुस्से वाली जनरेशन है ये। आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं रागिनी जी?
किसी एक वजह से पूरी जनरेशन को कोसना तो ठीक बात नहीं है। देखिए, मैं मर्डर को जस्टिफाई नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, किसी भी मर्डर के पीछे कोई ना कोई हिस्ट्री जरूर छुपी होती है। ऐसी क्या वजह हो सकती है जो मर्डर कर दिया? चलिए हम आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। मान लीजिए आपका अपना कोई हम आहान, आपके पेरेंट्स या आपका कोई भी करीबी बहुत बुरी तरह फंसा हो, उसकी जान खतरे में हो, तो क्या करेंगे आप? जी क्या कह रहे हैं आप? कुछ भी करूंगी उसे बचाने के लिए। मर्डर करेंगे आप अपनों की जान बचाने के लिए? जरूरत पड़ी तो वो भी करूंगी। एग्जैक्टली, क्योंकि आप अपनों से प्यार करती हैं और अपनों की जान बचाने के लिए आप कुछ भी करेंगे। बात तो सही है। सर, फोरेंसिक डिपार्टमेंट ने कंफर्म किया है, हमें जो वेपन मधु के घर से मिला है वो मर्डर वेपन ही है सर। उसमें मधु के फिंगरप्रिंट्स भी हैं। इस हिसाब से सर ये मैटर तो क्लियर है। रघुवीर साहब, जरा इस तस्वीर को अच्छे से देखिए। गाड़ी के टायरों में डांबर है और ये महेश के जूतों में भी डांबर है। इसका मतलब ये साफ जाहिर होता है कि मर्डर किसी ऐसी जगह हुआ जहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो या फिर कोई रिपेयर वर्क। पता करिए सर। लेकिन आपकी बात सही है, बट मधु ने कोर्ट में सबके सामने कन्फेशन किया है कि मर्डर उसी ने किया है। केस तो क्लियर ही है ना सर। नकवी साहब, एक बार ध्यान रखिए, कोई भी कन्फेशन मर्डर का प्रूफ नहीं हो सकता। पुलिस का काम होता है एविडेंसेस और विटनेस को ढूंढना, तलाश करना, ताकि हम लोग कोर्ट में क्राइम को प्रूव कर सकें, और वो तो हम करके ही रहेंगे। आप उस रोड के बारे में पता कीजिए सर। सर, यही वो जगह है जहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। उस दिन भी सर यहाँ पे काम चल रहा था, लेकिन रात में यहाँ पे कोई काम नहीं होता। किसी से पूछताछ की? मतलब रात को किसी ने कुछ देखा? जी हाँ सर, पूछा, एक आदमी मिला है, उसने कुछ देखा है सर। साहब, उस रात मैं घर ही जा रहा था, बाहर में थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, इससे गलती से पिछले स्टॉप पर उतर गया और जब संभला तो पैदल चलने लगा। साहब, वो लड़की में कुछ झोलझाल था, उसी ने खून किया होगा। अरे लेके आइए उसको। ये लड़की है? पता नहीं साहब, उसने मुंह पे कपड़ा बांधा हुआ था। लेकिन साहब, ये भी हो सकती है। ठीक है, जाओ तुम। मधु, यही मारा था तुमने मिस्टर महेश को? जी हाँ, यही मारा था। पूरा वाक्य अच्छे से बताइए, कैसे रोकी थी गाड़ी और कैसे मारा था उन्हें। एक एक बात बिल्कुल ठीक। इधर मर्डर का वेपन भी मिल गया है और मर्डर करने वाला भी, और मैं कोर्ट से अपील करता हूं कि इस बात पे बिल्कुल ध्यान ना दे कि ये एक लड़की है, और सख्ती से पेश आते हुए इसे कड़ी से कड़ी सजा दे, ताकि इस पूरी जनरेशन को एक सीख मिले जो जरा सा गुस्सा आने पर कभी भी कहीं भी इतना भयानक क्राइम कर देते हैं। हमारी बात अभी पूरी नहीं हुई। आपको जो कुछ भी कहना है आप विटनेस बॉक्स में आकर कहिए। माय लॉर्ड, अभी जो हमने देखा उस पर ये फैसला करना कि मधु ने महेश प्रजापति का खून किया है सही नहीं होगा। इंस्पेक्टर क्रांति, क्या मजाक है, सब साफ तो है। जी एडवोकेट अमर, बिल्कुल सही, मधु ने महेश प्रजापति का मर्डर नहीं किया। मधु का बयान है हमारे पास, उसने कहा कि उसने छाती पे चाकू से वार किया था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक वार पेट पे किया गया है चाकू से और कई बार। इंस्पेक्टर क्रांति, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप कोर्ट को इस मैटर में कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं।
मधु ने खुद कबूल किया है कि उसने मर्डर किया है। इस चाकू पर उसके फिंगरप्रिंट्स भी हैं। आपको यह ध्यान में रखना होगा कि मधु उस समय गुस्से में थी। उसे याद नहीं है कि उसने चाकू पेट में मारा था या छाती में। उससे फर्क भी क्या पड़ता है। पॉइंट ये है कि मर्डर मधु ने किया है। मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या साबित करना चाह रहे हैं। माय लॉर्ड, हम इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं। उस हैसियत से सारी बातें अदालत में सामने रखना मेरा फर्ज है। हमें 10 दिन की मोहलत और चाहिए इस इन्वेस्टिगेशन को खत्म करने के लिए। योर ऑनर, इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर अभी तक अपने सबूत को लेकर क्लियर नहीं है, इसलिए मैं मिस मधु की बेल की अर्जी देना चाहता हूँ। ठीक है, पुलिस को 10 दिन दिए जाते हैं, आप अपनी इंक्वायरी पूरी कीजिए। क्योंकि मर्डर कन्फेशन किया है इसलिए मधु पांडे को जमानत नहीं दी जा सकती। कोर्ट में तुमने जो कुछ भी बोला वो सब झूठ था। नहीं सर, सब सच है। चलो अगर हम ये कहें कि तुम्हारे पापा ने मर्डर किया ही नहीं तो भी तुम यही कहोगे। मिस्टर अशोक, दरअसल आपकी बेटी ने सारा इल्जाम अपने सर ले लिया सिर्फ आपको बचाने की खातिर, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि उसके पापा ही असली मर्डरर हैं। मिस्टर अशोक, आप महेश की गाड़ी से जिस जगह उतरे थे वहां पे एक एटीएम है और उसके सीसीटीवी कैमरा फुटेज में आपकी बेगुनाही का सबूत कैद हो गया। सर ये देखिए, और कोइंसिडेंटली हमारी मुलाकात उस टैक्सी ड्राइवर से भी हो गई जिसने आपको घर छोड़ा था, और उस टैक्सी ड्राइवर ने हमें बयान दिया कि उसने आपके पापा को सीधा घर छोड़ा, घर से वापस लौटकर 30 मिनट के अंदर मर्डर करना पॉसिबल तो है नहीं। मधु, अब तो सच बताओ। मैं जानती थी कि उस दिन पापा का कोर्ट में महेश से झगड़ा हुआ था। क्या बोला बे? नहीं गार देंगे तुमको। लेकिन मैं पापा के लिए डर रही थी कि कहीं उन्हें कोई कुछ कर ना दे। मैं ऑफिस पहुंची तो पापा को महेश के साथ निकलते देखा। मैंने पीछा किया लेकिन गाड़ी निकल गई। बहुत ढूंढने के बाद मुझे वो गाड़ी एक जगह पार्क मिली। उसमें कोई नहीं था, और जब मैंने डिग्गी खोली तो उसमें मुझे महेश की लाश मिली। वो चाकू भी वहीं था। मुझे लगा ये मर्डर पापा ने किया है। मैंने वो चाकू उठाया और मैं वहां से चली गई। बाद में कोर्ट में जब पापा पूरी तरह से फंस गए तो वो मर्डर मैंने कन्फेस कर लिया। बहुत खुशकिस्मत हैं मिस्टर अशोक आप, जो आपको ऐसी बेटी मिली। बेटी, तूने वो किया जो कोई बेटा नहीं कर सकता। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज बचा लो इसे। आपकी बेटी को तभी बचाया जा सकता है जब महेश का असली कातिल मिल जाए। सर, लेकिन वो आदमी जिसने वहां पे किसी लड़की को देखा था, सर अगर वो लड़की मधु नहीं थी तो फिर वो थी कौन? तो महेश के मर्डर के पीछे और किसका मोटिव हो सकता है? महेश और अशोक के बीच का झगड़ा बहुत सालों से चल रहा था। मैंने महेश को कहा भी था कि वो प्रॉपर्टी छोड़ दे, लेकिन वो तैयार ही नहीं थे। महेश, आप उसे ये प्रॉपर्टी दे क्यों नहीं देते? आपको पता है इस केस की वजह से ना मुझे हमेशा डर लगा रहता है। उर्मिला जी, इतनी महंगी प्रॉपर्टी जो पहले लाखों की थी अब करोड़ों की हो चुकी है, और आप चाहती थी कि वो ऐसे ही छोड़ दें, क्यों? पैसे से ज्यादा मन की शांति जरूरी होती। मन की शांति के अलावा और कुछ जो आप महेश जी से चाहती थी? मतलब हमने सुना है कि आप दोनों के बीच में बहुत झगड़े होते बिजनेस को लेकर। तुम मुझे समझते क्यों नहीं? कितनी बार समझाओ तुम्हें कि एक बार ये केस मुझे जीत जाने दो, इसके बाद आगे क्या सोचते हैं। महेश, आप पागल हो गए हो इस प्रॉपर्टी के चक्कर में। ये सब बेच के ना अपने नए बिजनेस के बारे में सोचो। मुझे मत सिखाओ प्लीज। और फिर उनके गुजरने के बाद आप सब कुछ बेच रही हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने मारा अपने पति को। अरे झगड़े किस परिवार में नहीं होते, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं महेश की जान ले लूंगी। पर अगर आप लोगों को यकीन नहीं है तो जाकर एडवोकेट अमर से पूछ लीजिए।
जब महेश अशोक से मिलने गए थे ना, तो मैं सीधे वकील के पास गई थी उनको ये बात बताने के लिए। हाँ, वो उस रात मेरे पास आई थी, बहुत घबराई हुई थी, वो चाह रही थी कि इस पूरी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन निकले, और ऑनेस्टली मुझे लग रहा था कि कोई सोल्यूशन निकलेगा, क्योंकि मैंने ही अशोक को आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने के लिए सजेस्ट किया। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की बात करने के लिए फोन किया ना तूने? मुझे ये भी बता, ये फोन तुझे महेश ने करवाया है? नहीं अशोक जी, वैसे महेश जी ने अभी तक मुझसे इस बारे में कोई बात नहीं की, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं बात कर सकता हूं। लेकिन जब अशोक ने उस मीटिंग में किसी भी लॉयर को नहीं बुलाया, मुझे बहुत अजीब सा लगा था। लेकिन जब बाद में महेश के मर्डर की न्यूज सुनी, सब क्लियर हो गया। क्रांति, मुझे अभी भी लगता है कि अशोक ने ही महेश को मारा है। मर्डर स्पॉट पे एक लड़की देखी गई थी। ऐसा भी तो हो सकता है कि अशोक और उसकी बेटी मधु दोनों इस मर्डर में मिले हैं, वरना वो चाकू किसी और के पास कैसे आया? वो कौन है नफीसा? वो मनोज नाम है जनाब, ये अशोक पांडे का पर्सनल असिस्टेंट। अब तुम्हारे मेरे बीच का अकाउंट क्लियर है। और सुनो, दोबारा मुझे कभी कॉल मत करना, खतरा है। जानता हूँ, तभी तो हम नौकरी भी छोड़ दी। तुझे क्या लगा तुम तक नहीं पहुंच पाएंगे हम? सब बताता हूँ साहब, मानना मत साहब। मैं अशोक साहब की कंपनी की इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों को भेजता हूँ साहब। इन्फॉर्मेशन मतलब? सच सच बता साहब, हम लोग जो कंस्ट्रक्शन के कामों के लिए टेंडर भरते हैं, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन और कंपनी के सीक्रेट बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, वो सब मेरे पास ही होते हैं साहब। उसको मैं दूसरे कंपनी वालों को बेच के थोड़े पैसे कमाता हूँ साहब। ऑफिस से डॉक्यूमेंट्स गायब किए, फिर वही चाकू चुराया, और मौका पाते ही महेश प्रजापति का मर्डर किया तुमने। नहीं नहीं साहब, मैंने किसी का मर्डर नहीं किया साहब। ऑफिस से कहाँ गए थे? उस दिन मैं शबनम की बाड़ी में लक्ष्मी रोड के रेड लाइट एरिया में गया था साहब। ऑफिस स्टाफ जा चुका था, तुम क्या कर रहे थे इतनी देर ऑफिस में? साहब उस दिन भी मुझे कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन देने थे एक पार्टी को, एक प्रोजेक्ट फाइल की कॉपी। पार्टी खुद आई थी सर ऑफिस में। साहब वो अशोक साहब के केबिन में गई और कुछ डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो लेकर वापस आ गई। मैंने उसे खुद वॉचमैन से बचा के बाहर निकाला था साहब। कितने साल से जानते हैं आप इस पार्टी को? यही कोई एक महीना हुआ है साहब। पार्टी का नाम? एक लड़की है साहब, रश्मि त्यागी। मुझे लगता है कि ये सीक्रेट इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स तो एक बहाना है, वो लड़की से बेवकूफ़ बना के कुछ बड़ा खेल खेल के गई है। हेलो, तुझे मना किया था ना कि मुझे फोन मत करना, और तेरे पैसे का हिसाब तो हो गया था ना, अब क्या हुआ? मिलना था, कुछ काम है, मिल सकती हो? अर्जेंट है। पागल समझा है क्या? तूने कॉल किया इसका मतलब तू पकड़ा गया है, पुलिस भी है ना तेरे साथ में? अरे इस धंधे में पुरानी चावल हूं मैं, किसी के हाथ नहीं आने वाली। नकवी साहब। सर। ढूंढिए इस रश्मि त्यागी को। जी। योर ऑनर, पुलिस का मानना है कि मेरी क्लाइंट मिस मधु इस केस में झूठ बोल रही है, उन्होंने कोई खून नहीं किया है, तो अदालत उन्हें किस बिना पे दोषी ठहरा सकती? मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि मिस मधु को इस मर्डर केस से बरी किया जाए। योर ऑनर, इनके कन्फेशन के आधार पर इनकी बेल प्ली पहले ही रिजेक्ट की जा चुकी है, तो फिर इन्हें इन मर्डर चार्जेस से कैसे बरी किया जा सकता है? ये बहुत पुख्ता तरीके से साफ हो चुका है कि मधु ने ही महेश को मारा है। माय लॉर्ड, अगर आप इजाजत दे तो हम कटघरे में आके एक जरूरी बात कहना चाहते हैं। इजाजत है।
सबसे पहले हम अदालत से माफी चाहेंगे कि आगे की इन्वेस्टिगेशन हमने दर्ज नहीं की, क्योंकि कल ही हमारे हाथ इस मर्डर से रिलेटेड एक पुख्ता सबूत सामने आए। दरअसल इस मर्डर के पीछे कोई एक नहीं बल्कि दो लोग शामिल, दूसरे को तो हमने गिरफ्तार कर लिया और उसका नाम है रश्मि त्यागी। जज साहब, ये वही लड़की है जिसने महेश प्रजापति से मदद के बहाने उन्हें एक सुनसान रास्ते में रोका। महेश प्रजापति गाड़ी से उतरे और इसने अपने एक साथी के साथ मिलकर बड़ी बेरहमी से महेश प्रजापति का कत्ल कर दिया। दूसरे साथी से आपका मतलब मधु है, राइट? जी बिल्कुल नहीं, मधु नहीं बल्कि महेश प्रजापति की ही पत्नी उर्मिला प्रजापति है। ये क्या बकवास है? शायद आप भूल रही हैं उर्मिला जी, आपने खुद अपने मुंह से हमें एक बात बताई थी कि आपके और आपके पति के बीच झगड़े बहुत होते थे, लेकिन आप एक बात बताना भूल गई जो हमें इनके कुछ खास दोस्तों से मालूम चला, कि आप अपने पति से डाइवोर्स लेना चाहती थी, लेकिन डाइवोर्स का मतलब मिस्टर महेश की सारी संपत्ति और दौलत को गवा देना, इसीलिए उन्होंने मर्डर की योजना बनाई। अपने साथी के साथ मिलकर महेश प्रजापति को एक सुनसान इलाके में ही रोकती हैं। महेश प्रजापति जब गाड़ी से निकलते हैं, बड़ी बेरहमी से अपने साथी के साथ मिलकर उनका कत्ल कर देती हैं। ये बिल्कुल झूठ है, मैं नहीं जानती इस लड़की को। अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है उर्मिला जी, आपका खेल खत्म हो चुका है, क्योंकि आपके साथी रश्मि त्यागी ने हमारे सामने सब सच उगल दिया है। इसने बयान दे दिया है कि आपने ही अपने पति को चाकू घोंप घोंप कर मारा। नहीं, ये गलत है। मैंने तो वहां महेश को सिर्फ बुलाया था, पर चाकू इस अमर ने मारा। योनर, यहाँ पर हो क्या रहा है? कोई कुछ भी बोले जा रहा है? इंस्पेक्टर क्रांति, क्या ड्रामा है ये? ड्रामा आप कर रहे हैं इस अदालत के साथ खेल खेल कर। जज साहब, इस क्राइम में दूसरे पार्टनर एडवोकेट अमर ही हैं, जिन्होंने उर्मिला प्रजापति के साथ मिलकर महेश प्रजापति का कत्ल किया है। जज साहब, रश्मि त्यागी का असली नाम रेणु पांडे है, जो कि एक प्राइवेट डिटेक्टिव है, जिसको मधु ने हायर किया था क्योंकि वो अपने पिता की सिक्योरिटी को लेकर बहुत चिंतित थी। रेणु पांडे को हमारी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस के बारे में मालूम चला, फिर हमने इन्हें ढूंढना शुरू किया तो हमें मालूम चला। मैं मिस्टर अशोक के रूम में मेन डॉक्यूमेंट्स लाने के बहाने गई थी, लेकिन असलियत में मैं अपना हिडन कैमरा लगाने गई थी वहां पर, और जो कुछ भी इस कैमरे में कैद हुआ है वो आप देखिए। इसे प्ले कीजिए। माय लॉर्ड, उर्मिला पे तो हमें पहले से शक था, लेकिन एडवोकेट साहब के बारे में इन्वेस्टिगेशन अभी बाकी थी। हम लोगों ने पता किया और एक बहुत ही बड़ा राज सामने आया। एडवोकेट अमर और उर्मिला प्रजापति के पिछले एक साल से संबंध थे, अवैध संबंध। कई होटलों में इनसे मिलने के सबूत भी है हमारे पास। अब एडवोकेट अमर का तो हमारे पास सबूत मिल गया था, लेकिन उर्मिला जी के खिलाफ हमारे पास कुछ नहीं था। सिर्फ इसी वजह से हमने अदालत में यह तमाशा किया, और इसी डर से अदालत में सबके सामने इन्होंने सब सच उगल दिया। योर ऑनर, क्या सिर्फ इस चाकू के चुरा लेने से साबित होता है कि मैंने ही महेश को मारा है? ये सब झूठ है, बकवास है ये सब। वकील साहब, हम भी पूरी तैयारी के साथ आए हैं और हमने भी कानून अच्छे से पढ़ा हुआ है। नकवी साहब। जी जनाब। फोरेंसिक रिपोर्ट है हमारे पास। माय लॉर्ड, इस रिपोर्ट में कुछ पॉइंटर्स मैंने हाईलाइट्स किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। अब आप ही कहिए जज साहब कि वकील साहब अपना काला कोट उतार दें। एडवोकेट अमर, अपना कोट उतारिए। जज साहब, मेक एन ऑर्डर। Thank you.
अब जरा वकील साहब अपनी आस्तीन भी ऊपर कर लीजिए। करी करी हाँ, दाएं हाथ का नहीं बाएं हाथ का। उसके ऊपर किसी धारदार हथियार से अटैक हुआ था और उसके बाद उसकी हाथापाई हुई उसके साथ जिसने उस पर अटैक किया था। फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक महेश प्रजापति ने मरते समय जो शर्ट पहनी थी उसमें किसी दूसरे के ब्लड के सैंपल्स भी पाए गए हैं और वो ब्लड सैंपल्स आपके हैं वकील साहब। अगर आपको एतराज ना हो तो आप ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं। कोई ऑब्जेक्शन? अरेस्ट हिम। महेश प्रजापति मर्डर केस के अभी तक के तथ्यों के आधार पर अदालत एडवोकेट अमर और उर्मिला प्रजापति के खिलाफ मुकदमा दायर करने का हुक्म देती है। अशोक पांडे और मधु पांडे को बाइज्जत बरी किया जाता है। उर्मिला से मेरी मुलाकात महेश का प्रॉपर्टी डिस्प्यूट केस लड़ने के दौरान हुई थी और हमें देखते ही एक दूसरे से प्यार हो गया। उर्मिला महेश को डिवोर्स देने वाली थी पर इसे साथ में उसकी प्रॉपर्टी और उसका बिजनेस भी चाहिए था, इसीलिए हम लोगों ने ये प्लान बनाया जिससे महेश भी मर जाए और सारा का सारा इल्ज़ाम अशोक पर आ जाए। मैंने ही अशोक को आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए अग्री करवाया था और जब उसने महेश को फ़ोन करके अपने ऑफिस में बुलाया उर्मिला ने जानबूझकर उसे देर रात डिनर के बाद ही जाने दिया ताकि अशोक का सारा स्टाफ जा चुका। डिनर के वक्त ये सारी की सारी बातें मुझे मैसेज से बता रही थी। मेरे पास महेश की गाड़ी की डुप्लीकेट चाबी थी। मैं गया और उसकी गाड़ी की डिक्की में जाके छुप गया। जब हम अशोक के ऑफिस पहुंचे तो मैं डिक्की से निकला और अशोक की गाड़ी मैंने पंचर कर दी। मीटिंग खत्म होने के बाद महेश और अशोक एक ही गाड़ी में निकले। कुछ देर आगे जाने के बाद अशोक उतर गया और तब उर्मिला ने उसे फ़ोन करके वहीं बुलाया जहां हमने तय किया था। महेश वहां पहुंचा और गाड़ी से बाहर निकलकर उर्मिला को ढूंढने लगा। उर्मिला उससे मिली और इससे पहले कि वो गाड़ी में वापस बैठ पाता मैं पीछे से आया उसे उस पर हमला किया और उसे मारा। उसके बाद महेश की डेड बॉडी अशोक के चाकू को उस गाड़ी की डिक्की में डाला और वहाँ छोड़ दिया जहाँ आप लोगों को आसानी से मिल पाती। लेकिन इससे पहले कि वो आप तक पहुँच पाती मधु वहाँ आ गए और उसने वो चाकू वहाँ से उठा लिया। सब बर्बाद कर दिया उसने। वकील होने के बावजूद तुमने कानून से खिलवाड़ किया और पूरे वकील समुदाय को तुम्हारी वजह से शर्मिंदगी उठानी पड़ी। शर्मानी चाहिए तुम्हें। जीवन में विवाद होना स्वाभाविक है। किसी भी झगड़े या विवाद में दो या दो से अधिक पक्ष होते ही हैं। इन्हीं विवादों का समाधान करती है हमारे देश की अदालत। कभी कभी कोर्ट को समय लगता है किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने में और यही लंबा समय कुछ जटिलताओं और समस्याओं को पैदा करता है उनके लिए जो इन विवादों का हिस्सा है। इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। अशोक और महेश के बीच हुए प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का फायदा उठाया एडवोकेट अमर और उर्मिला ने। किसी भी विवाद का पैदा ना होना शायद इंसान के लिए संभव नहीं, लेकिन अपने आसपास के लोगों के प्रति सतर्क रहना तो संभव है। इसलिए अपराध से लड़ाई की सबसे पहली जरूरत है सतर्कता और सावधानी। सावधान इंडिया। जय हिंद।